देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। हेलो नमस्कार, नमस्कार। कांटी आए हुए हैं जो लड़के का हत्या नहीं हो गया था, तो खैर जब अपने बच्चे नहीं मिला इन लोग का केस है, तो कोई रीजन था मुझे करवा दिया। बहुत लोग बीच में, हाँ बहुत बीच में कुछ भी था। भाई वीरेंद्र सहनी जी आए हैं, निषाद संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं, साथ में पूर्व मुखिया संतोष निषाद जी हैं, नवीन निषाद जी हैं, सभी लोग पूरे टीम के साथ हम लोग आए हैं। ये घटना जो है बेहद दुखद है, घटना से धरना प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन पहले वो आंध्र प्रदेश से यहाँ आए थे ये बच्ची का एग्जाम देने के लिए, और उधर से कहीं बाजार से कुछ खरीदने गया था, वापस लौट रहा था, तो अपराधियों ने उसका नाम पूछ के जाके पूछ के सीधा गोली मार दिया। तो बहुत दुखद घटना है, कम उम्र का लड़का है, उसको किसी से यहाँ पर रहने का भी मतलब नहीं था, किसी से आवादत भी नहीं था। किस कारण से ये घटना हुआ है, अभी मैंने एसपी साहब से भी बात किया, डीएसपी साहब से भी बात किया है, उनको रिक्वेस्ट यही किया है कि जो अपराधी जो पकड़े गए हैं उसका कॉल डिटेल की सारी जानकारी निकाला जाए, किसके कहने पे ये उसने हत्या किया है, इस बात को भी आना चाहिए सारा चीज, और केस का जो सुपरविजन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या लगता है पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? एकदम मिलेगा, और हम यही आग्रह करेंगे कि इसको अब मामला जो है सीधी तरह से चलाया जाए, और जो भी हत्यारा है उसको सीधे सीधे सजा कर इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे।